السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مختارات أول؟ قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنع في ساعة لم يكن يأتينا فيها. इसी दरमियान में के हम लोग एक दिन बैठे हुए थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के घर में, फी नहरी ज़हीरती, दोपहर में, आइन दोपहर के वक्त, नहर सीने को कहते हैं, दोपहर के सीने मतलब बीच दोपहर में, आइन दोपहर के वक्त, फबैनमा का ताल्लुक है काला का, फबैनमा से ताल्लुक, इसी दरमियान में बैठे हुए थे कि कभी इस मौके पर इज भी लगा देते हैं, जैसे बैनमा नहनु जुलूसुन عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا, اور بغیر اذ کے بھی کہہ دیتے ہیں کہ کسی کہنے والے نے حضرت صدیق سے کہا هذا رسول الله, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, متقنعا سر ڈھک کر, کیونکہ دوپہر کا وقت تھا نا گرمی, سر ڈھک کر, تقنع من تغطى, کوئی کپڑا ओढ़ मुतकन्यान, नस्ब की वजह क्या है, मुतकन्यान में नस्ब क्यों आ रहा है, हाल, हाल के लिए आमिल होना जरूरी है, इस पर आमिल कौन सा लफ्ज है, यहां तो मुक्तदा खबर है हाजा रसूलुल्लाह, तो उसका जवाब यह है कि हाजा में उशीरु के मायने होते हैं, तो उशीरु ये आमिल है, फ़ाइल है, अमल करता है, तो उशीरों में अमल मौजूद है, इसका हाल बन जाएगा. फी साअतिन, ये ऐसे वक्त की बात है कि लम यकुन यातीना फीहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त में आमतौर पर नहीं आते. क़ाल अबू बकर, तो हजरत सिद्दीक ने जब ये खबर सुनी तो फरमाया कि फिदाउन लहू अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप उन पर कुर्बान हूं, फिदा उन, ये खबर हो जाएगी, अभी व उम्मी फिदा उन लहू, अभी व उम्मी मुब्तदा, फिदा उन लहू खबर, और आप फिदा उन पढ़ेंगे तो फिर मानेंगे अफदी महजूब, अफदी फिदा उन लहू अभी व उम्मी, तो अफदी का मफूल मुतलक होगा फिदा उन, अफदी फिदा उन, और अभी व उम्मी ये मफ़ऊल भी होगा अवधी का, मैं अपने माँ बाप को उन पर कुर्बान करता हूँ. वल्लाहि मा जाअ बिही फी हाज़िही सा'ति इल्ला अम्रुन, अल्लाह की कसम उनको इस वक्त कोई चीज नहीं लाई है, इल्ला अम्रुन, मगर अहम मामला लेकर आया है, यानी किसी अहम काम से वो इस वक्त आए. आप भी कह सकते हैं कि मा जाअ बिही هذه الساعة إلا أمر أهم. كتبه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له. حضرت آئے, آپ نے اجازت طلب کی, آپ کو اجازت دی گئی, فدخل, آپ داخل ہوئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا اخرج من عندك, آپ کے پاس جو غیر محرم ہیں ان کو آپ ہٹا دی. حضرت صدیق نے فرمایا انما هم اهلك ابي انت يا رسول الله, وہ تو آپ ہی کے اہل ہیں, آپ ہی کی بیوی, حضرت عائشہ امی تو ان سے شادی ہو چکی تھی, آپ ہی کی اہلیاں ہیں, بے ابی انت, میرے باپ آپ پر قربان ہیں, انت بے ابی, انت مبتدا بے ابی خبر, اور اس پر قربان ہونے کے معنی کیسے سیٹ ہو گئے, یعنی انت بے ابی با بدل کا ہے, آپ ہو جائیں میرے باپ کے بدلے, انت بدل بے ابی, یعنی میرے ماں باپ چاہے مر جائیں لیکن آپ زندہ ہیں,
फिर फरमाया फइन्नी कद उज़िना ली फिल खुरूज, आपने फरमाया मुझे निकलने की हिजरत करने की इजाजत दे दी गई। फकाल अबू बकरिन अस्सहाबा बि अबी अंता या रसूल अल्लाह, हजरत सिद्दीक ने कहा रिफाकत रहेगी मेरे मेरे बाप आप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह। सहाबतु यानी उरीद उस सहाबता, आप सहाबता पढ़ सकते हैं यानी आओ हल सहाबतु भी पढ़ सकते हैं। फिर महजूमा सहाबतु मौजूद है तुम, रिफाकत मौजूद रहेगी या रसूल अल्लाह, तो फरमाया कि नाम। हजरत सिद्दीक ने फरमाया फखुज बे अबी अंता राहिलतैन, आप इन दो सवारियों में से कोई एक सवारी ले लीजिए मेरे माँ बाप आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिस्समन, कीमत देकर लेंगे, अल्लाह के रास्ते का सफर है फ्री में नहीं करेंगे, कीमत देकर। काफिर दावा।